हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग मुझे किचन में देख रहे हैं क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा मीन्स के स्नो पड़ी हुई है। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ निहारी, और मैंने लाइफ में आज तक कभी भी निहारी नहीं बनाई है। ये मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। और जो मैंने मीट लिया है, बीफ लिया है, और मैंने कल इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि किस तरह से निहारी बनती है, तो उन्हीं सबको मिक्स करके आज मैं खुद से बनाने वाली हूँ। लेट्स सी। साथ ही साथ मैं लेके आई हूँ शान निहारी मसाला। लेट्स सी के मेरी निहारी कैसी बनती है। थोड़ा ये मसाला डालूंगी, थोड़े अपने जो घर के मसाले हैं वो डालूंगी, क्योंकि जब मैं रेसिपीज देख रही थी तो उसमें ये सब मसाले भी इन्होंने डाले हुए थे डिफरेंट रेसिपीज में। घर के मसाले, सौंफ, ब्लैक पेपर जो लाइक अभी ग्राइंड करूंगी मैं, जीरा और सिनेमन स्टिक, और इसको बादाम का फूल शायद बोलते हैं, और ये ब्लैक इलायची है, और ये ग्रीन इलायची है, और भी काफ़ी चीज़ें थी बीच में डली, वो गरम मसाले की थी। बहुत दिल कर रहा था मेरा, कल बैठे बैठे मेरा दिल करने लग गया कि आज निहारी खाते हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि किस तरह की बनेगी। सब मसाले जो हैं वो मैं मिक्सर में करने लगी हूँ, कुछ इसमें डालूंगी, जीरा, सौंफ, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दूंगी और इनको मिक्स करूंगी, आई मीन ब्लेंड करूंगी। गाइस, मैं इस तरह की काफ़ी देर के बाद कोई डिश बनाने लगी हूँ। मेरे ख्याल में सबसे जो मुश्किल वाली लाइक मेहनत वाली डिश मैं बनाती हूँ वो मैं सिर्फ बिरयानी बनाती हूँ। उसके अलावा मैं बहुत ही क्विक से खाने बनाती हूँ, चाहे वो चिकन हो, चाहे कढ़ाई हो, वट एवर। बट आज मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत वाला खाना बनाने वाली हूँ, विच इज़ निहारी, एंड आई होप कि बहुत ही मज़े की बने। जितनी मैंने कल से इमेजिन की हुई है, आई होप उतनी ही मज़े की बने भी। सो लेट्स सी। सो मसाला मेरा हो चुका है ग्राइंड, एंड नाउ अब हम इसको फ्राई की तरफ चलते हैं। इसमें मैं डालूंगी ऑयल, और मैंने सुना है कि इसमें ऑयल ज्यादा डालते हैं और बाद में निकाल लेते हैं उसको वापस। इसमें बोन्स भी हैं, बोनलेस भी है, मिक्स है। एक पैकेट था आई थिंक 1 kg का, तो ये कितने पैकेट की है, या ये भी 1 kg के लिए ही है। काफ़ी टाइम के बाद मैं कुकिंग वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी आज की वीडियो, क्योंकि आज बन रहा है स्पेशल निहारी। उन्होंने लौंग भी डाली है और सूखा धनिया भी डाला है जो साबुत होता है, वो मैं डालना भूल गई हूँ, तो मैं वो भी डाल लूँ। ओके, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना ये मसाला जो मैंने ग्राइंड किया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ प्रॉपर, थोड़ा थोड़ा बीच में मोटा मोटा रह गया है। अदरक लहसुन की बारी है, तो यहाँ पे मैं गार्लिक जिंजर का ये डाल रही हूँ पेस्ट, 2-3 tablespoons पाउडर, तो मैं वो भी डाल लेती हूँ। गार्लिक जिंजर पाउडर भी मेरे पास है, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ। आप भी हंसपे ज़रूरत डाल लेना, मैंने भी ऐसे ही डाल लिया है। ओके, तो पानी मैं गर्म कर लेती हूँ पहले। अच्छा, पानी डालने से पहले मुझे ऑयल निकालना है इसका, सो लेट मी टेक आउट सम ऑयल। नॉट दैट मच इजी जितनी मुझे दिख रही थी, थोड़ी सी मुश्किल है। इसको अभी ही डालना है स्टर फ्राई करते वक्त। मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये डाल दूंगी तो मुझे नमक मिर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 kg के लिए पैकेट बना है। बट एंड में मैं टेस्ट कर लूँगी कि इसमें मुझे ज़रूरत है उसकी कि नहीं। लेट्स सी। बहुत ही मज़े का दिख रहा है अभी से ही मुझे तो। अच्छा, और मीट में पानी डाल के उसको आई थिंक 40 minutes तक पकाना है, अनटिल जब तक ये पूरा गल ना जाए।
तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें। इसको मैं कवर कर दूंगी और फिर आप लोगों को बताती रहूंगी साथ साथ। एक्चुअली गर्म पानी डालने का फायदा ये होता है कि टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी 4-5 कप। आई होप गाइस के जो मैंने सोचा है वैसा ही बने। मैं आपको जरूर अपडेट करती रहूंगी। तो इसको मैं यहाँ पे बंद लाइक कवर करके जा रही हूँ और फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। स्टिल इन प्रोसेस, जो गोश्त है वो गल चुका है बट उतना नहीं गला जितना निहारी में गला होता है। तो अभी स्टिल इसको मैं कवर कर दूंगी और फ्लेम जो है हमारी मीडियम है और मैं वेट करूंगी जब तक ये बिल्कुल मजे का गल ना जाए। क्योंकि यू नो गाइस, मैंने आज तक निहारी में जो उसका मीट होता है वो नहीं खाया। मैंने हमेशा उसका ग्रेवी के साथ ही हमेशा खाया बट आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है। और हाँ, मैंने देखा है वो किस तरह से ऐसे हाथ लगाते ही टूट जाता है उसका मीट, तो उसी तरह से मैं कोशिश करूंगी। पर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है इसको गलने में। पता नहीं, शायद मैंने फ्राई किया और वो अगर खाली इसको बॉईल करती तो जल्दी गल जाता। बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और साथ में हम लोग करेंगे इसके सर्व नान और अभी और भी इन्ग्रीडियंट रहते हैं। एंड यू नो द वेयर्ड थिंग, मुझे कभी भी नहीं पता था, वेयर्ड तो नहीं मैं कहूँगी बट मुझे वेयर्ड लगती है। मुझे नहीं पता था कि निहारी में आटा डलता है उसको थिक करने के लिए। मुझे लगता था वो इतना पकता है कि उसकी खुद ही वो जो होती है ना स्टिकीनेस आ जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसमें आटा डलता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का आटा हो चुका है ख़त्म। तो मैंने जो रेसिपीज देखी हैं उसमें कुछ ने आटा डाला और कुछ ने मैदा। तो वी हैव दिस मैदा, तो हम लोग ये डालेंगे। आई होप के टेस्ट अच्छा रहे बट काफ़ी लोगों ने ज़्यादा जो प्रेफर किया वो आटा डालना किया है। सो गाइस, जो हमारा मीट है वो गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब बारी आती है उस स्टेप की, जब नहीं उससे पहले बारी आती है वो आटा वाला जो डालने की। उसके बाद हम लोग करेंगे प्याज। प्याज को तड़का लगा के उसमें डालना है और ये सबसे मुश्किल मुझे काम लगता है प्याज काटना, क्योंकि उसके लिए आपको रोना पड़ता है थोड़ा सा। एंड लेट्स सी, काफ़ी दिनों के बाद मैं प्याज, एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद मैं कुछ बना रही हूँ एक्चुअली या, और मैं बहुत सारा ज़्यादा खाना में प्याज डालती ही नहीं हूँ, उसके बिना ही बना लेती हूँ। इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं फ्राई। यहाँ पे मैंने जिंजर के जूलियंस भी काट लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ। ओके, इसमें डालेंगे पानी, जस्ट अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना रह जाएं। देर में ये ठीक हो जाएगा। एंड गाइस, फाइनली मुझे लगता है आज मैं कामयाब हो गई हूँ अपनी निहारी बनाने में। आई होप कि जब घर वाले आए और वो खाएं और वो तारीफों के पुल बांधने से थके ना और मेरी मेहनत जो है वो रायगा ना जाए, इतनी तारीफें हों मेरी इस निहारी की। अगर आप लोग निहारी प्रो हैं और आप लोगों ने बहुत बार बनाई है निहारी अपने घरों में, तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या मेरी रेसिपी अच्छी है। मैंने सही फॉलो किया है रेसिपी को, और टेस्ट तो मैं ही बता सकूंगी या मेरी बहन आएगी या अमर आएगा तो ही वो ही बता सकेंगे कि टेस्ट में कैसी है। मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। और यहाँ पर ये कर रही हूँ मैं फ्राई प्याज, ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर डालूंगी, आई थिंक वो लास्ट स्टेप है। और ये मैंने जूलियंस तो काटे हैं, मुझे अभी दोबारा से देखना पड़ेगा कि ये भी डालते हैं इसमें कि वो सिर्फ हलीम के लिए होते हैं, बट मैंने काट लिए हैं। सो गाइस, ये मत सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं आता खाना वगैरह पकाना, मुझे सब कुछ आता है। निहारी वगैरह कभी नहीं बनाई है बट स्टिल देखो, मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखी और बना ली है। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, तो कुकिंग मैं सारी करती हूँ, एक्सपर्ट हूँ खाने बनाने में और टेस्टी भी बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने पहले कभी मेरे हाथ का खाना खाया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को लाइक, हो सकता है मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी देख रहे हों
तो अगर आप लोगों ने मेरे हाथ का खाना खाया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ और आप लोग पसंद करते हो। और अभी विंटर्स स्टार्ट तो हो गया, स्नो आज पड़ी है और नवंबर भी मिड हो गया, नवंबर मिड भी हो गया है, तो जल्द ही मैं अपना ट्री डेकोरेट करूंगी और उसकी भी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरी डेली लाइफ की अपडेट वहाँ पे मैं डालती रहती हूँ, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करें और टिकटॉक पे भी कर लें। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का बटन जरूर दबाना। तो सो गाइस, टाइम आ चुका है कि ये मैं जो तड़का है इसको डाल दूं इसके अंदर, काफी ब्राउन हो चुका है एंड सो गाइस यहाँ पे जो मेरी नेहारी है रेडी हो चुकी है, स्टोव को मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ और इसको कवर कर रही हूँ और फिर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी रिव्यूज के कैसी लगी हमारे घर वालों को मेरी ये नेहारी की रेसिपी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।